इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। विगोर स्प्रे का इस्तेमाल डॉक्टर की देखरेख में ही करना चाहिए, जैसा कि बताया गया है। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका इस्तेमाल करें। यह प्रजनन क्षमता या शुक्राणुओं की संख्या को प्रभावित नहीं करता है, लेकिन इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, जैसे निस्तब्धता, चेहरे, कान, गर्दन और धड़ में गर्माहट का एहसास, सिरदर्द और धुंधली दृष्टि। नाइट्रेट्स अक्सर सीने में दर्द के लिए दी जाने वाली नामक दवाओं के साथ उपयोग किए जाने पर यह खतरनाक हो सकता है। यदि आपको गंभीर हृदय या यकृत की समस्या है, यदि आपको हाल ही में स्ट्रोक या दिल का दौरा पड़ा है, या यदि आपको निम्न रक्तचाप है, तो इस दवा का उपयोग न करें। इसे लेने से पहले अपने चिकित्सक को बताएं कि क्या आप इनमें से या किसी अन्य स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित हैं। अगर इस दवा से आपको चक्कर आ रहे हैं तो आपको गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें, क्योंकि इससे दुष्प्रभाव हो सकते हैं। विगोर स्प्रे के लाभ। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इलाज। विगोर स्प्रे PDE5 इनहिबिटर नामक दवाओं के समूह से संबंधित है। यह आपके लिंग में रक्त वाहिकाओं को आराम देकर काम करता है। यह रक्त को लिंग में प्रवाहित करने और यौन उत्तेजित होने पर एक निर्माण उत्पन्न करने की अनुमति देता है। यदि आप यौन रूप से उत्तेजित हैं तो यह दवा केवल इरेक्शन प्राप्त करने में मदद करेगी। यह बहुत प्रभावी है, लेकिन यौन गतिविधि से कम 30 मिनट पहले इसे लेने की जरूरत है। यदि आप नाइट्रेट्स अक्सर सीने में दर्द के लिए दी जाने वाली नामक दवाएं भी लेते हैं तो इस दवा को न लें। विगोर स्प्रे के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं, क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। विगोर के सामान्य दुष्प्रभाव। निस्तब्धता, चेहरे, कान, गर्दन और धड़ में गर्माहट का एहसास, सिर दर्द, कठोरता, नक्सीर, धुंधली दृष्टि, खट्टी डकार, मांसपेशियों में दर्द, पेट की खराबी, खरोंच। विगोर स्प्रे का उपयोग कैसे करें? आवेदन के क्षेत्र के उद्देश्य से एक्सटेंशन ट्यूब के साथ कंटेनर को पकड़ें। स्प्रे करने के लिए बटन दबाएं। लगातार दो छिड़कावों के बीच 2 सेकंड का अंतर रखें। अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करें या उपयोग करने से पहले दिशा निर्देशों के लिए लेबल भी देखें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।